चलो प्रश्नावली 7.1 का अंतिम सवाल, दसवां सवाल पढ़ेंगे। प्रश्न है, एक्स और वाई में संबंध प्राप्त करना है, संबंध प्राप्त करो कि बिंदु एक्स कोमा वाई जो बिंदुओं 3.6 और -3.4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, मतलब कि जो बिंदु एक्स कोमा वाई है, ये जो बिंदु है 3.6 और जो ये बिंदु है -3.4, इससे एक समान दूरी पर स्थित है। तो जो दो बिंदु सवाल में दिए गए हैं उनको ए और बी ले लिया, पहले बिंदु को ए 3.6, दूसरे बिंदु को बी -3.4। ठीक है, और जो एक्स कोमा वाई है उस बिंदु को पी ले लिया, एक्स कोमा वाई। अब जो बिंदु पी है ए और बी से समदूरस्थ है, मतलब एक समान दूरी पर स्थित है, तो पी ए बराबर पी बी होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। अब पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर अंतर सूत्र अप्लाई करेंगे तो पी ए का मान, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस छह का होल स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस चार का होल स्क्वायर। यहां पर देखना, एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर लिख दिया, वाई माइनस छह का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस तीन का होल स्क्वायर लिख दिया और प्लस वाई माइनस चार का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ विस्तार करेंगे, एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का छः एक्स प्लस नौ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस दो गुड़े एक्स गुड़े तीन, तो दो तीन छः एक्स प्लस तीन का वर्ग नौ। और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस बारह वाई प्लस छत्तीस, मतलब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस दो गुड़े वाई गुड़े छः, तो छः दूनी बारह वाई प्लस छः का वर्ग छत्तीस बराबर। यहाँ पर x प्लस तीन का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस तीन दूनी छः एक्स प्लस तीन का वर्ग नौ। फिर यहाँ y माइनस चार का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब दो गुड़े वाई गुड़े चार, चार दूनी आठ वाई प्लस चार का वर्ग सोलह। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और नौ से नौ कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का छः एक्स माइनस का बारह वाई प्लस का छत्तीस बराबर यहाँ क्या बचा, छः एक्स माइनस आठ वाई प्लस सोलह। ठीक है, अब एक काम किया गया है, ये वाली संख्या भी उधर ले गया, पहले उधर वाला लिख लिया, छः एक्स माइनस आठ वाई प्लस सोलह, ये इधर जाएगा प्लस का छः एक्स, ये इधर जाएगा प्लस का बारह वाई, ये इधर जाएगा माइनस का छत्तीस बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, छः एक्स और छः एक्स बारह एक्स, फिर माइनस का आठ वाई प्लस का बारह वाई प्लस का चार वाई हो जाएगा, फिर प्लस का सोलह माइनस का छत्तीस, तो माइनस का बीस आएगा बराबर जीरो। अब ये समीकरण चार से कटेगा, तो चार तीन बारह, यहाँ तीन एक्स प्लस चार कट जाएगा तो वाई बचेगा, फिर माइनस चार पंचे बीस माइनस का पांच बराबर जीरो। ये एक्स और वाई में संबंध प्राप्त हुआ, ये प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट। अब आगे का नियम आप लोग बहुत ध्यान से समझना, आगे हमको दो सूत्र पढ़ने हैं। इसके पहले हम लोग जो 7.1 पढ़े थे दूरी के सूत्र से सब सवाल हम लोग पढ़े थे, अब यहाँ पर हमको दो सूत्र पढ़ना है, अनुपात सूत्र पढ़ना है और मध्य बिंदु सूत्र पढ़ना है। तो मान लिया जैसे कोई रेखाखंड ए बी है, बिंदु ए का निर्देशांक एक्स वन कोमा वाई वन है और बिंदु बी का निर्देशांक एक्स टू कोमा वाई टू है। अब इस रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु पी आया है और ये जो बिंदु P है रेखाखंड AB को A की ओर से m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। वही देखो, माना बिंदु P या AB को A की ओर से m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तब बिंदु P का निर्देशांक में x का मान किस सूत्र से निकल जाता है, x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। यहां पर ध्यान देना, आकृति पर से m, तो इसके जस्ट सामने वाला x लेना है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। फिर उसी तरह से y बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। इस तरह से x और y का मान निकाला जाएगा। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या है, जैसे मान लिया कोई एक रेखाखंड ए बी है, ए का निर्देशांक एक्स वन कोमा वाई वन, बी का निर्देशांक एक्स टू कोमा वाई टू है और जो बिंदु पी है इसका मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक एक्स कोमा वाई। यहाँ पर देखना, यदि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु पी हो तो बिंदु पी का निर्देशांक होता है जो एक्स निर्देशांक जोड़कर आधा कर देते हैं, मतलब बिंदु पी का निर्देशांक एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कोमा वाई निर्देशांक वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, या आप कहें जो बीच में एक्स कोमा वाई है, एक्स का मान कैसे आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई का मान कैसे आएगा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। इस तरह से मध्य बिंदु का ये सूत्र है, ये अनुपात सूत्र है। अब इन सूत्रों का उपयोग करके हम कुछ सवाल पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल कह रहे हैं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है।
कहने मतलब कि हमको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है और उसको किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में। तो पहले ये रेखाखंड बना दिया ए बी, पहले बिंदु को -1.7 ले लिया, दूसरे बिंदु को 4.-3 ले लिया। अब इस रेखाखंड पर एक बिंदु में पी ले लिया जिसका निर्देशांक निकालना है एक्स कोमा वाई मान लिया और अनुपात कितना दिया है 2:3, यहां पर 2 यहां पर 3, 2:3। अब यहां पर हमको x और y का मान निकालना है तो पहले x का सूत्र लगेंगे। अभी x का सूत्र जैसे पढ़े x बराबर mx2 plus nx1 बटे m plus n, तो वही x बराबर mx2 plus nx1 बटे m plus n। अब सूत्र आकृति में कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान देना। अब अगर इसको m गिनेंगे तो mx2 इसके सामने वाला x लेना है, mx2 तो 2×4 plus nx1 तो 3 - 1 बटे m plus n 2+3। यहां हल करेंगे 4×2=8, फिर प्लस माइनस माइनस 3 + 3 पूरे का बट्टे 5 हो जाएगा, घटाएंगे 5/5, यहां पर हल करने पर कितना आएगा 1 आएगा। अब इसी तरह से y का सूत्र क्या होगा, my2 plus ny1 बटे m plus n, तो देखना my2 -3 है 2×-3 plus ny1 7 है 3×7 बटे m plus n 2+3, यहां हल करेंगे माइनस का 6 प्लस का 21 पूरे का बट्टे 5 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 21 प्लस का 15/5 आएगा, 5×3=15, तो वाई बराबर कितना आ गया 3। तब बिंदु जो P अपने माने थे x कोमा वाई उसका निशान कितना आया 1,3, अर्थात वह बिंदु कितना है 1,3 है। ये पहले प्रश्न का जवाब, दो नंबर में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखना जो दूसरा और तीसरा प्रश्न थोड़े से बड़े हैं उसकी चर्चा बाद के पीरियड में करूंगा, चौथा सवाल थोड़ा सा छोटा था इसलिए पहले इसको हल किया। देखना बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब कि ये दो बिंदु को जोड़, इन दोनों बिंदुओं जो -3,10 और 6,-8 है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर जो रेखाखंड बना है उसी रेखाखंड पर एक बिंदु स्थित है -1,6, तो यह -1,6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा। तो पहले ए और बी ले लिया -3,10 6,-8 और जो ये बिंदु इस पर स्थित है ये पी ले लिया -1,6। अब किस अनुपात में, मान लिया अनुपात m अनुपात n, तो जब भी अनुपात ज्ञात करने वाला सवाल आए तो x या y के सूत्र में से किसी एक का ही सूत्र अप्लाई करते हैं, जो अनुपात सूत्र अपने पढ़े चाहे x का चाहे y का। यहां देखो p के मान में x का मान -1 है, y का मान 6 है, चाहे x का सूत्र अप्लाई करके सवाल हल करो चाहे y का सूत्र अप्लाई करके सवाल हल करो आंसर सेम आएगा। तो मैं यहां x का सूत्र अप्लाई किया हूं, x बराबर mx2 plus nx1 बटे m plus n। अब x का मान देखो बीच में क्या है -1, अब यहां mx2 कितना 6 प्लस एन एक्स वन कितना -3 पूरे का बट्टे एम प्लस एन, तिरछा गुणा हो जाएगा -1×m+n बराबर 6m माइनस का 3n हो जाएगा, अंदर गुणा कर लेंगे माइनस का m माइनस का n बराबर आपका क्या आएगा 6m माइनस का 3n, m इधर n उधर। जब भी अनुपात ज्ञात करने वाला सवाल आए इस तरह से समीकरण बनने के बाद m का टर्म हमेशा इधर होना चाहिए, n का टर्म उधर होना चाहिए। ये माइनस का m लिख लिया, ये आएगा माइनस का 6m हो जाएगा बराबर उधर माइनस का 3n लिख लिया, उधर जाएगा ये प्लस का n हो जाएगा, यहां हल करने पर माइनस का 7m, वहां हल करने पर माइनस का 2n आएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल 7m बराबर 2n। अब n इधर बटे में जाएगा 7 इधर बटे में जाएगा, m बटे n बराबर 2/7 या m अनुपात n बराबर 2:7। इसका मतलब ये जो -1,6 बिंदु है ऊपर वाले दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये भी दो नंबर में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों की खूब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और प्रश्नावली 7.1 के 10 सवाल पूरे हो गए हैं, प्रश्नावली 7.1 के पहले जो 4-5 उदाहरण के सवाल हैं उन उदाहरण के सवाल की भी प्रैक्टिस करना, जो सवाल नहीं आएगा उसको हमसे पूछ लेना। ओके।